Come on. Hi, Pakistan, you change it. तो वेलकम टू असलम प्रेजेंटेड बाय लक्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अगर हैं तो फिर जोर से तालियां बजाइए यार। क्या बात भाई, आप खैरियत से हो ना हो, मुल्क थोड़ा कम खैरियत से है। इसी पर बात करने के लिए जो आज हमारे गेस्ट हैं, बहुत अरसे बाद असलम मनाए के सेट पर कोई सियासतदान आ रहा है। आपका ताल्लुक सियासत से पिछले 40 साल से है, पंजाब में मुख्तलिफ वजारतें संभाल चुके हैं। आपके सियासी तीरों से लोग हो जाते हैं लहू लुहान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैयाज़ुल हसन चौहान। कैसे फैयाज भाई, वेलकम टू असलम। भाई बैठने से पहले, मुझे पता है सियासतदान कुर्सी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता लेकिन बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत है कि जो भी आता है पहले इस कौम को एक शेर सुनाता है। हम अमन के ख्वाहां हैं लेकिन ये अहले तासुब याद रखें, ये पाक वतन है जहां अपनी और जान तो सबको प्यारी है। क्या बात है फैयाज़ भाई, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, मजे की बात ये है फैयाज़ भाई कि मुझे अंदरूनी लोगों ने कई बार कहा कि आप खान साहब का आके इंटरव्यू कर लें, वो यहाँ आके इंटरव्यू नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने, मतलब आपकी पार्टी में रहे आप सालों साल, जियो का क्या बायकॉट, जहाँ पे आपकी ज्यादा तनकीद हो वहां तो जाना ज्यादा जरूरी है। मजेदार बात यह है कि इस इशू के ऊपर भी मेरा इख्तलाफ था। अच्छा यार, आप किसी चैनल में जाएं, आप अपना मौकफ बयान करें। ऑफ कोर्स, मैं एक दफ़ा वो शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आज से 3 महीने पहले ना, मुझे उसके प्रोड्यूसर ने ना फवाद चौधरी का, बैरिस्टर सैफ का, शौकत यूसुफ जई के क्लिप भेज के मुझे कहा कि यार ये देखो पिछले 1 हफ्ते में ये 4 आपके लीडर आए हैं तो आप क्यों नहीं आते। ठीक है, मैंने कहा यार मैं तो डिसिप्लिन का पाबंद हूँ लेकिन ये 4 कैसे आ गए। कहते आए हैं। मैंने कहा मुझे क्लिप भेज। उन्होंने क्लिप भेज दिए, मैंने टाइम दे दिया शहजाद इकबाल को। मैंने 10 मिनट का प्रोग्राम किया, प्रॉपर डिफेंड किया जो मुल्क की पूरी सियासत ही क्लिपों पर चल रही है आजकल तो। नहीं, 10 मिनट का मैंने पूरा प्रोग्राम किया शहजाद इकबाल का। हाँ, तो मुझे खान साहब का डायरेक्ट फोन आ गया, आप क्यों गए जियो में। मैंने कहा खान साहब मैं नहीं गया, मेरे से पहले पिछले 1-1.5 हफ्ते में ये बंदे जा चुके हैं और रेगुलर जा रहे हैं। हाँ, तो उनको कि फिर मैंने कहा, मैंने खान साहब हमें हर चैनल पे जाके बात करनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें हमें, हमारी कनपट्टी पे कोई पिस्टल रख के कोई चैनल वाले तो नहीं अपनी मर्जी की बात निकलवा सकते। एब्सोल्युटली। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक नहीं था, इसी वजह से मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सका। अब तो आप आए गए साहब, इतना सैक्रिफाइस करके माशाल्लाह, देखिए कहाँ कहाँ से कहलवाना पड़ा आपसे। हाँ, ऐसे कि वजीर आला इतने रह चुके हैं पंजाब के, दिन दिन में भी चेंज हुए हैं कुछ, तो अरसा ऐसा भी आया, तो आपका सबसे फेवरेट वजीर आला कौन रहा और बुज़दार साहब ही क्यों? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार ही क्यों आपके? अभी फेवरेट वही है। ऑफ कोर्स, उनसे दुश्मनी करके फायदा क्या होगा, मतलब उनसे आदमी होम्योपैथिक की दवा है वो। साईं शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी। मैं अक्सर उनके मुतल्लिक तफ़सीर करता हूँ, मेरे टॉक शोज के अंदर यो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में भी लोग मुझसे पूछते हैं ना उसके मुतालिक, तो मैं कहता हूँ यार साईं शरीफ आदमी है। तो तालीमी अगर मैं दौर की बात करूँ तो फैयाज़ुल हसन चौहान के एक बैक बेंचर था, फ्रंट बेंचर था, शरारती था। बैक बेंचर तो जिंदगी के दिन ही रहे, दिल फेंक था। क्या था फैयाज़ुल हसन चौहान? बैक बेंचर तो थे ही नहीं ना, पीछे बेंच ही नहीं थी स्कूल में, वो नहीं चटाई पे बैठते, हमेशा फ्रंट फुट पे, हमेशा फ्रंट फुट पे। अपनी ज़िंदगी का मिजाज ही नहीं है, जब भी बात की कहीं पे खड़े हुए फ्रंट फुट पे आके जनाब अपना किरदार अदा किया। एक चीज़ है कि जिस चीज़ के ऊपर मेरा ज़मीर और मेरा दीन, जिस पे मैं नहीं राज़ी हूँगा कि मैं इसके मुताबिक नहीं हूँ, तो मैं बैकआउट कर जाऊँगा, मैं उसके ऊपर स्टैंड ही लूँगा। मतलब मेरे साथ अक्सर होता है, इशारा तोड़ा ना, हाँ, मैं मिनिस्टर हूँ, इशारा टूट गया, एक सिपाही आएगा ना, मैं कहूँगा यार सॉरी यार मुझसे गलती, ये ले 500। नहीं नहीं नहीं, सॉरी गलती, सॉरी गलती। अच्छा मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात सुना। जाहिर ही बात है भाई, आप 500 थोड़ी देंगे, कम से कम 1000 तो देंगे। मैं सियालकोट जा रहा था, सियालकोट जेल का विजिट करना है। वाह, खुद से जा रहे थे, मतलब अपने ऑफिशियल विजिट पे। तो मेरा ड्राइवर जो सरकारी था, सरकारी गाड़ी का, शहबाज नाम है उसका, राणा शहबाज। वाह, आपने जानबूझ के रखा था इस नाम का ड्राइवर? नहीं नहीं, राणा शहबाज। उसने एक गाड़ी वाले को टक्कर मार दी, गलती उसकी थी, शहबाज की। लेकिन जनाब आगे पीछे स्क्वाड लगा हुआ है, वो मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ है, हुकूमत है, उसने गाड़ी से उतर के ना, वो बेचारे वो फैमिली, मैं आपसे मांगने नहीं आया, हाँ, वो लड़ने की कोशिश की। मैंने पीछे बैठा हुआ था, मैंने उधर से उसके कंधे पे हाथ रख के ना उसको डांटा अच्छी तरह। मैंने कहा यार शर्म कर यार, एक तो तूने उसके गाड़ी को मारा, उसके बाद बदमाश आराम से बैठ गया। मैंने ये किया, हालांकि गलती उसकी थी।
अगर ड्राइवर का नाम इमरान होता तब भी करते। सुने सुने, रात को मैं वापस आया लाहौर घर, गाड़ी से उतरने के बाद मैंने उसके इधर हाथ लगा के माफ़ी मांगी, यार सॉरी यार, मैंने थोड़ी सी सख्त अल्फाज में आपसे बात कर ली। एक सवाल है, थोड़ा सा शरारती सा तो नहीं असली से, जब ये अरेस्ट वरेस्ट हुए आप तब भी मतलब यही? हाँ तो नहीं क्या माफ़ी मांगी, क्या माफ़ी मांगी? देखो मैं पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ इस तहरीक में, हाँ जेल में मैं सबसे पहले, हमने 324 काटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, MSF से लड़ाई हुई थी 91 में, 6 महीने जेल काटी थी, उस वक्त भी बड़ी शान से काटी थी, फिर दोबारा बीच में एक दो दफ़ा काटी, लेकिन ये जो दो काटी इस तहरीक में, पहली जेल काटी जेल भरो तहरीक में, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी शेख रशीद, आमिर क्यानी, सदाकत अब्बासी, MNA, MPA, कल हम गिरफ्तारी देंगे लीडर के कहने पे। हाँ सारों ने सुनी? मैंने सुनी। अगले दिन जनाब कमेटी चौक सारी जांच लगी, ठीक है जी, गिरफ्तारियां देने दी, सारे भाग गए सारे भाग गए। फयाज चौहान आया, जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, मैंने आके गिरफ्तारी दी। अच्छा गिरफ्तारी दी तो राणा सनाउल्ला का ऊपर से आर्डर था, यार फयाज चौहान को गंदा करना है, इसको ना छोड़ देना है दरमियान में। अच्छा। और फिर हम ये चलाएंगे कि वो चला गया, वो भाग गया। मैंने अकेले ने गिरफ्तारी दी पूरे शान से, पूरी PTI पिंडी की इज्जत बचाई मैंने। हाँ। खान की इज्जत बचाई कि यार। अच्छा, आपने गिरफ्तारी पर नारा भी लगाया था, कौन बचाएगा पाकिस्तान? नहीं वो दूसरे वाले, पहले वाले की, उसमें भी ये नारे लगे थे। अच्छा जब कमेटी चौक से लेके निकले ना वो पुलिस वाले, मदरा जाके एक होटल पर रोक गया, आए फयाज भाई चाय पीते, चाय पीते हैं, SHO मुझे कहता है, चाय के बहाने मुझे कहता है चौहान साहब आप जाएं। मैंने कहा किधर जाएं? बस हो गया ना आप जाएं। मेरे साथ मेरे 6 कारकुन भी थे। मैंने कहा SHO को वो थाना वारिस खान कैसा, मैंने कहा क्यों जाएं? मैंने कहा शौक से हमने दी है, पार्टी की हदायत पे दी है, मैंने अपनी मर्जी से दी है, जब मेरी पार्टी कहेगी हम बाहर आएंगे, मैंने नहीं जाना। सर नहीं आप जाएं। फिर जाता था साइड पे, इंस्ट्रक्शन लेता था किसी CPO की, किसी RPO की, फिर आता था सर आप जाए ना। मैं क्या, तू पुत्र लग रहा है मेरा। साथ ही मुझे एक स्पाई था, उसने मुझे अपने मोबाइल से आज TV और ARY की जनाब कवरेज दिखाना शुरू की, जिसपे चल रहा था फयाज चौहान रस्ते से ही उतर के भाग गए। अच्छा फयाज भाई, एक आप कहानियों के बारे में मशहूर हैं, कहानियां सुनाने के बारे में, आपने पाकिस्तान के ऊपर भी एक कहानी बना रखी है, क्या कहानी बना रखी है? पिछले 1.25 साल से माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अभी भी लोग 5th जनरेशन वॉर जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन दुश्मन ने जीत ली है, फौज और आवाम के दरमियान खलीज, ये 5th जनरेशन वॉर है जी। हाँ। ये 98 में जब पाकिस्तान एटमी ताकत डिक्लेयर हो गया था, उस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों ने तय किया था कि बगैर जंग किए हमने पाकिस्तान को तबाह करना और हराना है, उसका एजेंडा ये था कि फौज और आवाम के दरमियान खलीज लेकर आओ। अब इस 1.25 साल से सोशल मीडिया के जरिए से ये 5th जनरेशन वॉर जीती, लेकिन कोई बंदा भी, बड़े बड़े सेंसिबल लोग हैं जो अभी तक नहीं चीज समझ रहे, क्यों? उन्हें पता है कि अगर हम बोलेंगे तो एक हवा चली हुई है इसके हक में, हकीकी आजादी का एक नाम दे दिया गया, फौज से आजादी का नाम, ठीक। अगर बोलेंगे तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी, सोशल मीडिया पर लोग बुरा कहेंगे। हाँ। सब खामोश क्यों? एक बादशाह था, उसको बड़ा शौक था नित नए माफूकुल फितरत लबास पहनने के। हाँ। ठगों का एक टोला था उसकी राया में, उसको जब ये बात चली कि बादशाह बड़ा ठरकी है नए नए किस्म के लिबास पहनने के, माफूकुल फितरत लिबास पहनने के, उन्होंने कहा यार बादशाह को लूटते हैं। उन्होंने जनाब बादशाह के वजीर को कहा कि जा बादशाह को जाके कह कि ऐसे कारीगर भी हैं कि जो ऐसा लिबास बना सकते हैं जो सिर्फ अकलमंदों को नजर आएगा, बेवकूफों को नजर ही नहीं आएगा। क्या बात। बादशाह को जाके वजीर ने बताया, उसने कहा तेरी मैं सारी जिंदगी इतने लिबास पहनता रहा हूँ, ये तो लिबास बन कभी लपे ही नहीं, बुलाओ उनको। ठगों का टोला आया जी बादशाह के दरबार में, उसने कंफर्म किया बादशाह ने वाकई ऐसा बना सकते हैं, उसने कहा सर बना सकते हैं। फिर जनाब ठगों के टोले ने बादशाह सलामत को मैसेज दिया आपका लिबास बन गया, आप एक तकरीब रोनमाई रखें, अपनी संतलत की सारी रियाया बुलाएं और उसमें हम आपको वो लिबास पहनाएंगे। उस दिन जनाब हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए, स्टेज जनाब 6 फुट ऊंचा बना हुआ है, बादशाह सलामत उस पर खड़े हैं, इंतजार हो रहा है उन ठगों के टोलों का, कारीगरों का। दो जनाब उनमें से कारीगर दो हैंगर पकड़ के आते हैं, सारी दुनिया देख रही है हैंगर खाली, हर बंदा बोलने लगता है, साथ ही खामोश हो जाता है। यार मैं कोई बेवकूफ, यार मैं बोल गया तो मैं तो बेवकूफ कंसिडर हो जाऊंगा, सब चुप। सारों ने अपने दांतों में अपनी उंगलियां दबाई हुई हैं, बादशाह देख रहे हैं, बादशाह का तरह निकला है,
आप ओके, मैं अगर यहाँ बोल गया कि मुझे भी नहीं आ रहा तो मुझे नजर नहीं, मैं तो सारी रियाया के सामने साबित हो जाऊंगा कि मैं बेवकूफ हूं और इनका बादशाह बेवकूफ है। दरबारी, वजीर, मशीर, चौबदार सारों को नजर आ रहा है पर सारे खामोश, सिर्फ इस डर से कि हम बेवकूफ कंसिडर हो जाएंगे। अच्छा जी, आ गए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, अब आप अपनी पोशाक उतारे। उसने जनाब पोशाक उतारी, वो कहता है ये जरा हाथ डाले इधर, ये जरा ये हाथ से डाले। एक मिनट, एक मिनट सुन ले। वो बादशाह सलामत ने अपना उतार के डाल दिया। अब जनाब आप अपनी तयबंद शलवार उतारे, बादशाह सलामत है वो भी उतारी, बादशाह सलामत नंगे। अब उनको समझ नहीं आ रही, ये जरा आप टांग डाले जना अंदर, अब ये इधर से ये टांग। बादशाह सलामत की घिक्की बंद, सारे का सारी रियाया खामोश परेशान। अचानक 5 साल के बच्चे ने ताली बजाई, बादशाह सलामत नंगे, बादशाह नंगे। शर्मिंदगी के मारे मैं अपने बच्चे के सामने नेकेड हो गया जो फौज के अंदर है, मैं अपने भाई के सामने नेकेड हो गया जो मेरा फौज के अंदर ब्रिगेडियर है, मैं अपने 13 कजनों के और भतीजों और भांजों के सामने नेकेड हो गया जो कर्नल और ब्रिगेडियर है। लेकिन हादसे से बड़ा सानहा यह हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मुझे अफसोस हुआ कि मेरे उसी लीडर ने जब 14 तारीख को जूम मीटिंग की तो उसने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि किसी किस्म की कोई माजत खाना लहजे अख्तियार नहीं करना और मजम्मत नहीं करनी। इस पर आपने कहा कि आप देख वक्त आ चुके। अच्छा फयाज भाई, थोड़ा मॉल को हल्का करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्राउड में, इनके पास आपके लिए बड़े सवाल हैं। वोट है नहीं है ये मुझे नहीं पता। लो भाई, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? राहिल। राहिल क्या करते हो तुम? मैं बीएसआई एविएशन का भी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मैं पायलट कोर्स में एनरोल्ड हूँ। और मेरा फैज़ुल संचार आपसे सवाल है कि 2008 से पहले आप जमात इस्लामी में थे, उसके बाद 2000 उसके बाद आप काफलीग में आए और अब आपने पीपल्स पीटीआई छोड़ी, तो इन सब में से ज़्यादा आपको किस जमात में मज़ा आया? सर मज़े की बात हो रही है तो किस जमात में? जमात इस्लामी में तो मज़े की बात हो नहीं सकती, मज़ा किस में आया? मज़ा तो पीटीआई में भी आया है। बात यह है कि आपकी नीयत क्या है। मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, मैं 2 दफ़ा एमपीए रहा हूँ, मैंने 6 मिनिस्ट्रियाँ एक्सरसाइज की हैं। करप्शन कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह पाक के करम से मेरे पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। सर कैसे छुपाते हैं मतलब ऐसे? ये टेक्निक बताइए, बचत कैसे हो रही? असल मसला ये है कि जब आप अन्नी डालते हैं ना तब पकड़े जाते हैं, तब पकड़े जाते हैं। मैं समझ, अब मैं डालूंगा मगर अन्नी नहीं डालूंगा, छोटी छोटी करप्शन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम शाहिद नज़ीर है। क्या करते हैं आप शाहिद? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ मैनेजर काम करता हूं। वेरी नाइस। कौन साहब आए हुए सवाल पूछेंगे? मेरा सर के लिए सवाल है, आपके बारे में कुछ मीम्स बड़े मशहूर हुए हैं जिसमें सबसे जो ज्यादा मैंने देखी है कि वो आप जब भी बनीगाला जाते थे तो आपका एतराज़ था कि मुझे दाल के साथ रोटी दी जाती थी तो जैसे ही आप बनीगाला बाहर निकलते तो बाहर में पता चलता था मटन पका हुआ है, तो इसमें आप क्या मतलब समझते हैं? बनीगाला तो जमान पाँच अगले पानी दाल ही पूछते जरा, तो कहते हो जनाब दाल का पूछा है जरा, दाल आवाम के मसले देखे ना छोटे छोटे। 30,000 से लेके 35,000 बच्चा हायर किया हुआ है हमने, हायर पीटीआई ने। हायरिंग का मतलब ये ना पैसे भी दिए जाते हैं? पैसे ही ना, मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे, उनमें से 12-13 हज़ार केपीके के हैं, 14-15 हज़ार पंजाब के हैं, कराची के हैं, पूरे सिंध पंजाब से, केपीके से और बाहर से। उन बच्चों बेचारों का एक ही काम है उनके ज़िम्मे कि बस जो पार्टी पॉलिसी से हट गया या कोई मुखालिफ है बस आपने उनके मीम्स ही बनाने हैं। अच्छा ये एक ज़ेली सवाल है और मैं फैज़ भाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने, अब मेरी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मैंने एक मार्शल लॉ में आंख खोली और कई हुकूमतें देखी हैं 8-10, दो मार्शल लॉ देखे हुए। मैं समझा आप कहने लगे हैं कि मेरी उम्र भी बड़ी हो गई है, मैंने एक नहीं मैंने 3 या 4 शादियां की हैं। नहीं नहीं फैज़ भाई, अब यहाँ आप शादी का पूछेंगे तो मैं भी पूछ लूँगा, मसला हो जाएगा। अच्छा मैं कहना चाहता हूँ जब सियासतदान एक दिन पहले तक जब पार्टी का हिस्सा होता है तो कायद के बयानात, कायद की ऊंचाइयां, कायद की अजमतें, करामतें छोड़ते ही उसको बताता है कि भाई ये तो शैतान था, भाई जब से मैं हूं पागल था, मैं रहकर आवाज क्यों नहीं बुलंद करता सियासतदान? मैं वाहिद बंदा, एक तो पहली बात यह है कि मैंने अभी पिछले 15 दिनों तक
एक लफ्ज भी मैंने पार्टी लीडर की ज़ात, उसका इखलाक, उसका किरदार, उसकी खानगी ज़िंदगी, उसके ऊपर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ाम, उसकी मिसेज, उसके ख़ानदान, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला ना मैंने बोलना है। ठीक। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान डैमेज हुआ है 9 मई और उससे पहले के, उस पर आप कह रहे हैं, वो यार मेरी सरिश्त में पाकिस्तान और पाक फौज के साथ मोहब्बत है। असल चीज़ ये है कि नहीं कसम, यकीन आ गया मुझे, नहीं कसम, मैं उन्हें बता दूंगा फयाज भाई कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? रायना। रायना क्या करती हो? LLB। LLB जी। केस करोगी या सवाल करोगी? सवाल, आज सवाल। हमने आपको जब देखा है आपके बाल सफ़ेद ही होते हैं, मतलब बचपन से जब आपको टीवी पे देखा है, अब आपको टीवी पे देखा है, आपके बाल हमेशा से सफ़ेद ही रहे हैं, आपको डाई करने का शौक नहीं है? आज भाई आप बचपन से बुजुर्ग हैं क्या है? अच्छा, जितने लोग बाल को डाई करते हैं ना चेहरे के, जितने दोस्त, मैं उनको बैठा के एक चीज़ समझाता हूँ, यार देखो दुनिया में अगर कोई बंदा किसी दूसरे का मुंह काला करे तो समझ आता है, दुश्मनी में, शरीके में, ये अपने हाथों अपना मुंह काला कर रहा है जना। तो मेरी आइडियालॉजी ये है कि अपने हाथों से अपना मुंह काला क्यों बंदा करे? जब भी करे दूसरा ही करे। नहीं, इस वजह से मैं जाती तौर पर बाल डाई करने के सख्त खिलाफ हूँ। वजह, शख्सियत भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, पर्सनैलिटी भी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी आउटलुक भी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी इन लुक भी ओरिजिनल होनी चाहिए। वेरी नाइस, ओरिजिनल। अगला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाइला। नाइला क्या करती हैं आप? मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, सवाल पूछें। मेरा इनसे सवाल है कि आपको काफ़ी दफ़ा वजीर बने हैं, आप सेहत के लिहाज से काफ़ी फिट फाट नजर आते हैं, लेकिन आप वजीर सेहत क्यों नहीं बने? वजीर सेहत वो बनाई जो सेहत के हवाले से फिट नहीं थी। एक दफा एक बंदा था, उसको एक ही जगह दो दो नजर आता था। वाह। वो डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब मनु एक ही जगह दो दो नजर आते रहे। डॉक्टर कहता तुम तीनों को यही बीमारी है। अच्छा फयाज भाई, आप जेल खाना जात के भी मिनिस्टर रहे, क्या आपको पहले से पता था? अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 1.25 साल मैं वजीर जेल खाना जात रहा हूं, मैंने 1.25 साल में 35 के करीब ऐसे इकदाम और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 20 की जेल के अफसरान मुलाजमीन की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा, उनके पे स्केल अपग्रेड, उनकी जिंदगियों में ऐसी ऐसी चीज़ें जो 10 साल की शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं कर सकी और 75 साल में कोई नहीं कर सका। मैंने सुन रखा है कि अगर आप खुदा ना खास्ता जेल वेल जाते हैं तो ग्रेजुएट्स को बेहतर सेल वेल मिलता है या सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही मिलता है? क्या देखो, अगर खुदा ना खास्ता पहले, गया, पहले तो क्या मिलेगा? पहले होती थी ए क्लास, बी क्लास। हमारे दौर से पहले ही ए क्लास खत्म हो गई है, सिर्फ बी क्लास होती है, बेटर क्लास। ठीक है, बेटर क्लास मिलती है ग्रेजुएट, एक्स MNA MPA सेनेटर या हाजिर सर्विस, और 17वें ग्रेड और उससे ऊपर का कोई अफसर, और चौथा जनाब जो कोई 10 या 12 लाख जनाब आपका टैक्स पेयर है, उसके एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट जना जो एक फाइलर है, फाइलर के साथ टैक्स पेयर है इतनी अमाउंट का, उसको, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, ये नहीं होया कि सीधा गए थे हाँ जी तुझे कहो जी मैं फला मुट्ठी गरम करनी है। नहीं, मुट्ठी गरम नहीं, वो प्रोसेस होता है ना। अच्छा, अगर मुट्ठी गरम करें जल्दी हो जाता है सबको? नहीं, मुट्ठी गरम करने से बी क्लास, आप मैट्रिक फेल है ना, आप MNA MPA है ना, आप जनाब ग्रेड 17 के मुलाजम अफसर है, तो आपको तो बेटर क्लास ही मिलेगी। लेकिन अनलाइक सियासतदान मैं टैक्स पूरा देता हूँ, शायद इस पर मिल जाए। इस पर तो मिलेगी ना, वो तो वो भी मैं कह रहा हूँ, अगर इन चारों चीज़ों पर आप फिट नहीं है तो मुट्ठी गरम करें या जो आप जो चाहूं गरम करूं। हाजिर आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां। एक दिन ना इसका 3 महीने बाद मुझे रात के कुछ 11 बजे फोन आया फूफो का। तो आने यार मैं बहना है तो बैठ के कोई पॉलिसी बनाइए किस तरह मीडिया चलाना है। मैं क्या फूफो का सुन, जरा टोल तू अपनी मर्जी नाल गले च पाया ना, ते इन हुण बजा ते मेरी जान छड़, मैं फोन लग गया।
Welcome back to Aslam Manahe. I'm in conversation with the great Fayazul Hasan Chauhan. Fayaz bhai, hum audience se abhi baat kar rahe hain. To haan bhai, kaun hai ab? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kya naam hai tumhara? Mahnoor. Kya karti ho Mahnoor? ICS. ICS kar rahi ho? Bhai wah, sawal puchogi Fayaz bhai se? Sawal nahi hai, khwahish hai. Khwahish. Bachchon ki khwahish hai Fayaz bhai, puri to karni hi ho. Allah khair kare. Khwahish hai. Maine suna hai aapko gana gaane ka shauk hai. Bhai jis tarah tum pooch rahi ho, is tarah to lag raha hai tum unke asase pooch rahi ho. गाने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे अच्छी आवाज दी हुई। अरे वाह, तो फिर हो जाए। उजड़े हुए लोगों से गरेज़ाना हुआ कल, हालात की कब्रों के कतबे भी पढ़ा कर। ऐ दिल, तुझे दुश्मन की भी पहचान नहीं है, तू हल्का आराम में भी मोहताज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला फैज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उमेर नाम है। उमेर भाई क्या करते हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ और दवाइयों की कंपनी में काम करता हूँ। दवाइयों की कंपनी में काम करते हैं, तो भाई कोई इलाज बताएंगे या सवाल करें? कुछ मर्ज ला इलाज उलाज। क्या सवाल पूछे? सवाल जवान साहब से है कि आप जेल खानाजात के वजीर हैं और आपने VIP कल्चर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी काम किया। हाँ। तो आपके जो दोस्त वजरा थे, उन्होंने बाद में उस कल्चर ख़त्म करने पर आपको दुहाइयाँ तो नहीं दी? शिकायत तो नहीं की कि यार क्या है यार, अच्छा खासा चल रहा था, हम लोग एसी में सोते थे, फयाज मच्छर मार रहा हूँ सुबह से उसमें। अच्छा, आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैंने VIP कल्चर ख़त्म किया, लेकिन आम कैदियों के लिए VIP कल्चर स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, बड़ी बात। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गद्दे और सराहने का कंसेप्ट आया जेलों में, वो सिर्फ पैसे वाले कैदी और सियासी कैदी के लिए होता था। हाँ, मैंने आम कैदी के लिए गद्दा और सराहना, दूसरी चीज़ मैंने आम कैदियों के लिए एयर कूलर और जनाब गीजर। तस्वर नहीं था जेलों के अंदर के आम कैदी को बैरकों के अंदर गर्म और ठंडा पानी गर्मी और सर्दियों में। जनाब हमने वो स्टार्ट किया। आपकी इत्तला के अर्ज है, पाकिस्तान पंजाब की जेलों में एक TV चैनल लगा करता था, PTV होम। मैंने 10 चैनल जिसमें एंटरटेनमेंट के भी चैनल हैं, वाह जनाब, मैंने वो कैदियों के लिए स्टार्ट किया। मैंने आपका मेन्यू जनाब, हफ्ते के 6 दिन मुर्गी है, 6 दिन मुर्गी है, Grade 1 से लेके Grade 20 तक 18,000 से लेके 1.5 लाख तनख्वाहों में इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन क्या करते हैं? MS मैनेजमेंट कर रहा हूँ UL से। ठीक है, कोई सवाल पूछ रहे हैं? जी, मेरा क्वेश्चन फयाजुल हसन चौहान साहब से है। कहते हैं कि अपनों का और दोस्तों का मुश्किल टाइम में पता चलता है, तो जब आपने PTA छोड़ दिए, तो आपको नहीं लगता कि आपको इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल टाइम उन पे आया हुआ है? अच्छा सवाल है सर, इसको ज़रा एड्रेस करें। पहली चीज़ तो ये है कि मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आया था। ठीक। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना इम्पोर्टेंट था कि किसी शख्सियत के साथ या किसी पार्टी के साथ खड़ा होना ज़रूरी था। फिर दूसरा, वो वक्त उस लीडर के अपने फैसलों के और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आया था, और फिर जिन जिन लोगों की वजह से आया था, उन लोगों ने सबसे पहले जनाब छोड़ छाड़ के अपने साजन की गली अनार के लिए डिस्को चली, वो जनाब खिसके थे जनाब सबसे पहले। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो कैदी है वो सज़ा के लिए आया है, उसको सोसाइटी में वापस नहीं भेजना। गलत है, है ना? मैं नया नया बना ना जब कैदी उस नहीं तो मीडिया के अंदर ये आया कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को टाइट करने के लिए बनाया है, वो कोट लखपत जेल में। जी 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 जी, मुझे पता। बड़ा हाइप क्रिएट होगी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि चौहान को बनाया गया है इनको जनाब सख्त करने के लिए। मैंने अगले दिन ही विजिट पहला रख लिया कोट लखपत जेल का। चीफ सेक्रेटरी का सांस खुशक, होम सेक्रेटरी का सांस खुशक, IG जेल खाना जात का सांस खुशक, DIG लाहौर रीजन का सांस खुशक, कोट लखपत का सुपरटेंडेंट, यार ये क्या है यार, ये तो आके कोई गड़बड़ करेंगे, उधर जाएंगे मौके पे जाके हमजा शहबाज शरीफ की सारा। खैर जी, मैं प्लान के मुताबिक गया, पूरा जनाब विजिट शिजिट आगे पीछे बैरक अस्पताल खाना पीना ये वो, एंड में जाके जब मैं
बैठा ना उसके सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में, तो मैंने उनको कहा बात सुनो, मैं कोई हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ के लिए नहीं आया। दोनों आईजी और सुपरिटेंडेंट कहते हैं शुक्र है यार, हमारा तो सांस खुशक था कल शाम से और अब तक, हम तो सोच रहे थे अभी एंड में आप कहेंगे चलो जी मुझे उधर लेके जाओ। हेलो, क्या नाम है आपका? बिशामा मैरी। मैरी क्या करती हो तुम? मेडिकल स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, कोई सवाल पूछोगी? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। अरे वाह, पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी रोमांटिक मूवी ऑफर होती है तो आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करेंगे? फयाज भाई देख, मुझे रही सवाल आप ही से। फिल्मों का कोई इंटरेस्ट है? यार मुझे पॉलिटिकल मूवीज, ये क्लिप जो आते हैं, और इसके अलावा पुराने दौर की रोमन एम्पायर की मूवीज देखने का शौक है, पहला। दूसरा मुझे किंगडम ऑफ हेवन, मेरी बहुत से पसंदीदा मूवी है, मुझे बहुत पसंद। सर वो मैरी ने ना असल में हीरोइन का पूछा था। वो आपसे पूछा था, वो आप जाने। अच्छा भाई, मैं जिसके साथ फयाज भाई करना चाहेंगे, अब मेरे ख्याल से तो वो चाहेंगे ये कि जब अगर हीरो वो हैं तो हीरोइन कम से कम फिरदौस आशिक अवान। हाँ केमिस्ट्री मैच करती है, बल्कि एक लव ट्राइंगल हो, आप हो फिरदौस आशिक अवान हो और यहाँ उज़्मा बुखारी हो, ये बनेगा। फिरदौस आशिक अवान ने जब दूसरी दफा मुझे इत्तलात की मिनिस्ट्री से उतरवाया ना सिफारिश करके, तो तीन एक महीने वो सही चला सकी या नहीं, मैं उसको मजाक में फुफो कहता हूँ। तो मैं तो तपा बैठा हुआ था यार कि अच्छा भला मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूँ, इसने जनाब जहाँ से भी सिफारिश फुरिश कराई मैं नहीं बताऊँगा। तो तीन महीने जब लीडर ने लेनी शुरू की ना क्लास इसकी, तो उसने मेरे ख्याल एक दफ़ा इसको कहा कि यार चौहान से सीख गया ना वो जिस तरीके से चीज़ें चलाता था। चलो एक दिन ना इसका तीन महीने बाद मुझे रात के कोई 11 बजे फ़ोन आया फुफो का, चौहान यार मैं बहना है तो बैठ के कोई पॉलिसी बनाइए किस तरह मीडिया चलाना है। मैं क्या फुफो गा सुन, ए जरा टोल तू अपनी मर्जी नाल गले च पाया ना तो इन हूँ बजा तो मेरी जान छड़। मैं फोन रख दिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? जाकिरा मेरा नाम है। जाकिरा मैडम क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, वेरी गुड। कोई सवाल पूछेंगे? हाँ, मेरा सबसे सवाल है कि आपने इतने अरसे इतने मिनिस्टर्स के साथ काम किया, कभी आपका नहीं दिल किया कि आप ही वजीर आजम बने? फयाज भाई इसको तो रिफ्रेश करूंगा, जो भी पॉलिटिकल वर्कर है चाहे कितना ही आर्टिकुलेट हो, पढ़ा लिखा हो, उसको काम आता हो, उसने डिग्रियां ली हुई हो, मगर कायद से ऊपर पहुंचने की ना नियत रखता है ना उसकी एस्पिरेशन होती है कि यार मैं भी पार्टी लीडर बनूं या चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर ना जमहूरियत प्योर आई ना आमरियत कभी प्योर आई। ठीक, हाइब्रिड मॉडल। जमहूरियत भी जनाब गलाजत ज़्यादा है, आमरियत भी गलाजत ज़्यादा और मिलावट ज़्यादा होती है। जमहूरियत जहाँ से आई है बरतानिया और अमरीका और यूरोप से, वहाँ पर पार्टी के इलेक्शन भी यूनियन काउंसिल से लेके पार्टी की मरकजी सदारत तक प्रॉपर इलेक्शन बिल्कुल ऐसे वोट के जरिए से लोग बनते हैं। लोअर मिडिल क्लास के और पुअर क्लास के, ओबामा से लेके पता नहीं कौन कौन से नाम है कि जो जनाब अमेरिका के सदर, बरतानिया के सदर, स्कॉटलैंड जमात इस्लामी एग्जांपल देना सर, ठीक है ना जी, उधर से जनाब लोग आते हैं। अरे हाँ, तो भाई जी जागीरदारी, सरमायादारी, वडेरा शाही, आपके जनाब 80% आवाम है जो गुलाम है, ऐसा ही है, बड़ेरों की, जागीरदारों की, सरमायेदारों की। कोई भी पार्टी आएगी, अगले आते हैं वो जनाब आके उसके ऊपर अपने सरमाए, अपनी बड़ेरा शाही, अपनी सरदकारी, अपनी सरमायेदारी। डेमोक्रेसी ना रखे यानी क्या रखे? डेमोक्रेसी प्योर होनी चाहिए। तो कैसे प्योर होनी चाहिए? कैसे हो? प्योर अब एजुकेशन आएगी मुल्क के अंदर, जनाब मुल्क के अंदर एजुकेशन ही नहीं आने देते, सिस्टम को नहीं ठीक करने दिया जाता। आप ही लोग करेंगे ना, वही मैं कह रहा हूँ करेंगे, लेकिन बहरहाल जमहूरियत प्योर होनी चाहिए। उसके तहत फिर नीचे से आम बंदा आता है, वो आके, यहाँ तो खानदान है, यहाँ तो खानदान है, खानदानों की नौकरी करनी है। अब फयाज भाई ऐसा है कि सियासत की बहुत बात हो गई, एक ऐसा कपल यहाँ मौजूद है जिसकी अभी अभी रिसेंटली शादी हुई है, और शादी भी कोई आम तरीके से नहीं हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुई है। इन्होंने एक ऐप है दिल का रिश्ता, वो डाउनलोड की और उसके तरीके से शादी हुई। आइए बात करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने एक दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाभी आपका? मेरा नाम अनीसा है। अनीसा, आपने प्रोफाइल बनाया था अपना दिल का रिश्ता पे? नहीं, एक्चुअली मेरे भाई ने बनाई थी प्रोफाइल। अच्छा, इनको भाई पसंद आया पहले?
नहीं नहीं, उन्होंने पसंद किया था। असल में हमें बाद में हमारे रिलेटिव्स निकल आए थे ये जी। अरे वाह, आप ऐसे वैसे नहीं जानती थी इनको? नहीं नहीं। तो रिलेटिव कैसे बन गए? जब ये रिश्ता इन्होंने भेजा था, इनकी मदर आई थी तो हमारी वो रिलेटिव निकली थी। डाकखाने मिले कि आप अच्छा उनको जानते हैं, उनको जानते फिर आपको जी दूर के रिश्तेदार थे, तो फिर बाद में हमारा रिश्ता यानी कि हो गया था। अरे भाई बात करूंगा मैं हस्बैंड से। सर क्या नाम है आपका? जी जी रिजवान। इनके प्रोफाइल में ऐसा क्या खास था तस्वीर के अलावा? बस अपनी अपनी लगी है। अपनी अपनी लगी, क्या लिखा हुआ था? उधार लेती हूँ, पैसे दे के नहीं वापस करती, एक मोजा चार दिन तक पहनती हूँ, क्या जो अपना अपना लगा? एक तो हमारी अपनी बरादरी है शेख, ठीक इसी तरह से अपनी अपनी लगी। तो कास्ट एक थी, शौक एक थे। अच्छा अब जब शादी हो चुकी माशाल्लाह, कितने महीने हो चुके इस बात को? 3 मंथ हुए हैं। 3 मंथ हो चुके, अभी भी वैसे ही है प्रोफाइल जैसे ही आप खुल के सामने आ गए? नहीं वैसे ही है, लेकिन मैंने तो नहीं ना इन्हें देखा था, मेरे भाई ने देखा था, फैमिली ने देखा था, फिर उसके बाद हम मैसेज भी पहले भाई कर रहे थे जी, भाई ने भी किया। इनको पता नहीं चला था, इनको पता ही नहीं इनको चला। था कि शायद मैं मतलब मैसेज आप ही कर रही हूं। भाई भी लड़की बन के कर रहे थे? नहीं नहीं असल में भाई ने इनसे बात की थी, इनको बाद में पता चला था कि ये मेरे भाई हैं। पहले किसी और का भाई समझ रहे थे? वो समझे थे कि ये बात कर रही हैं। जब वो कह भी रहे थे कैसे हो, मैं ठीक हूँ, लड़का बन के ही कर रहे थे। चले कोई बात नहीं, तो हो गई, अब अच्छी बात है, बड़े अच्छे भाई हैं यार, बड़े प्रोग्रेसिव भाई हैं। वरना आजकल सर कौन इन ऐपों पे यकीन करते हैं, लोग कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से कुछ 3-4 हज़ार के करीब रिश्ते हो चुके हैं, दिल का रिश्ता है सर। अगर कभी भी आपको कोई मुश्किलात आए किसी के लिए रिश्ता ढूंढने में, तो dilkarishta.com। वेरी गुड भाई, तालियां होनी चाहिए इन दोनों के लिए। खवातीन हज़रात वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आसना बनाए कहीं लगा भाई तस्वीर। कयामत हो गई सर, ऐसी चीज आ गई। चले सर, इंसान 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 शोबिस की है? शोबिस की नहीं है, मगर हो सकती थी, होना चाहिए था। अच्छा बदनामे जमाना है। वेलकम बैक टू असलाम बनाए, प्रेजेंटेड बाय लक्स। मेरे साथ मौजूद हैं फयाज भाई। फयाज भाई वक्त आ चुका है कि आपके साथ गेम खेला जाए। वैसे यूजुअली मशहूर है कि सियासतदान जो हैं वो आवाम की आंखों में पट्टी बांध देते हैं, आज हम आपकी आंखों में पट्टी बांध देंगे। गेम का नाम है नज़र बंद, आंखें बंद कीजिएगा इससे, ये आप जब पहन लेंगे तो यहाँ पीछे एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी इंसान की हो सकती है, जानवर, जगह या चीज़ की। आपसे सवाल पूछ के गैस करेंगे ये चीज़ है, जगह है, जानवर है और कौन है, ठीक है? लगाओ भाई तस्वीर। ओए होए कयामत हो गई सर, ऐसी चीज़ आ गई। चले सर, इंसान 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 शोबिस की है? शोबिस की नहीं है, मगर हो सकती थी, होना चाहिए था। अच्छा बदनामे जमाना है? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली सिचुएशन है ये, पता नहीं आप कह रहे हैं तो चलो मान के चलते। एच से नाम शुरू होता है? किससे? एच से? नहीं 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 नहीं, बीच में आया है, आ सकता है लेकिन शुरू में नहीं आता। अच्छा आप जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं जाना है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बहुत दिल के करीब है आपके। और दोस्त आशी क्या? ना 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 ना, इतना करीब है। उनके आशिकों में से एक है वो, नहीं अच्छा ये भी पीटीआई से मुनहरिफ हो चुके हैं। मेल है फीमेल है? मेल चल रहे हैं, मेल है, बिल्कुल मेल है। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप बहुत जानते हैं। झेलम से है? झेलम से नहीं। जानते किस शहर से है? पिंडी से। पिंडी से? अच्छा 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 अच्छा, शेख रशीद? नहीं नहीं नहीं, 18 के बाद, 2018 के बाद। अच्छा वो नून लीग से है? अब पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, हो सकता है। अब हो सकता है नून लीग से है? नहीं नहीं पता नहीं सर, अंदरूनी चल रहा है, वैसे जाहिरी तौर पे तो नहीं है। 44 साल हो चुके हैं सियासत में सर उसको। उसको मैंने कहा आशिकीन फिरदौस में शुमार, पीटीआई के मुनरिफ कारकुन, पिंडी से ताल्लुक, 44 साल हो चुके हैं, आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, अक्सर उनसे बातें करते हैं अकेले में। अकेले में? हाँ मैं अकेले की बुढ़ी ने निकाल की थी यार।
मैं अकेले में किसी से बात नहीं करता यार। सर कभी तो बात कभी ऐसा हो सकता है शावर में बात करी हो आपने, अकेले में गाड़ी चलाते हुए बात की हो, सोने से पहले बात की हो। नहीं कोई नहीं, इतना वेला मैं। सर आप जहां जहां इनको कोई नहीं देख सकता वहां आपने इनको देखा। अच्छा चले आप एक बार कहें जी मैंने गिव अप कर दिया, मैं बता दूंगा गिव अप, ये फयाजुल हसन चौहान है। देखिए उतार लीजिए सर, उतार लीजिए पट्टी, उतार लीजिए। सर मैंने ना देखो आपने पिंडी के हवाले से बात की, पिंडी के अंदर तीन अफराद ही पॉलिटिक्स के हवाले से मशहूर। जी 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 जी, एक दो, तो नाम ही ले सकते मतलब शेख साहब है एक, वो नून लीग का है जाना वो मशहूर, और वो अब्बासी। हाँ एक अल्लाह पाक के करम से मैं हूँ जाना, तो मुझे इस वजह से यार था कि पॉलिटिक्स का जाना कोई बंदा नहीं हो सकता जाना। तो आप थे ना सर, आप पॉलिटिक्स में नहीं है क्या, पीटीआई के मुनरिफ कारकुन। फैज भाई आखिरी सा गेम, इस गेम का नाम है ढाई सेकंड का मामला होगा ये, इसमें आपसे जेनेरिक सवाल पूछे जाएंगे ढाई सेकंड के मामले में, आपने सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने सिर्फ जवाब देना है और जवाब आपका ढाई सेकंड के अंदर होना चाहिए, ढाई सेकंड एक्सीड करके तो आवाज आएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ कितने लोग बैठे हैं तो आप कह सकते हैं चार, मगर आप ये नहीं कह सकते बहुत। सही है, मैं आप मुल्क का सबसे बड़ा चोर कौन है आप कह सकते हैं ताबिश, मगर ये नहीं कह सकते तुम या मैं। ठीक है, पहला सवाल ढाई सेकंड का मामला, पाकिस्तान में कितने दरख्त हैं? 1,75,86,04,341। अब कुछ भी कह दिया, सही बात है। ये बताएं अब जो अगला सवाल है वो बताएं, आपके जिस्म पर कितने बाल हैं? 75,06,413। सर 452। जी लोटे में कितनी बार पानी भरा जा सकता है? ये तो वैसे JUI फजल रहमान के जनाब कार्यक्रम से पूछो, चाहिए वो उसमें पानी पीते हैं जनाब। उस्मान मुजदार सोते में क्या बोलते हैं? वो जागते में कुछ नहीं बोलते थे। स्विमिंग पूल में क्या नहीं करना चाहिए? शुशु। कुर्सी पर बैठ के कहां दर्द होता है? इसका जवाब हो सकता है मुल्क में, कुर्सी में बैठने से मुल्क में दर्द होता है। फयाज भाई बहुत अच्छा खेला आपने, थैंक यू सो मच। फयाज भाई क्योंकि आप अवामी आदमी हैं तो शो के अंदर हमारे होते हैं अवामी मुकाबला, ये सारे बच्चे आए हुए क्राउड के, इनमें शेर और शायरी का मुकाबला होगा क्योंकि आपको शायरी पहला आगाज मैं करते हैं। आप करेंगे तो फिर आता हूं, पहले बड़ा शेर आता हूं। किसदा दोष किसदा नहीं सी ये गल्ला हुण करन दिया नहीं, वेले लंगे तोबा वाले रातां होके परन दिया नहीं। वाह, जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक बारी जो शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। वाह, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरन दा शौक भी सी। वाह हजरत मुनीर नियाज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अतीकुर रहमान। अतीक क्या शेर सुना रहे हो, जल्दी से सुनाओ। जी, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, वाह, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। अच्छा। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पर कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। क्या बात, वेरी गुड, क्या बात। आपकी आंखों में बहुत नमी है, आपकी आंखों में बहुत नमी है, दूध पिया करें आपको कैल्शियम की कमी है। चल बेटा अलिश, नाम क्या है आपका, माइक में बताएंगे। हफ्सा नवाज। हफ्सा शेर सुनाओ जल्दी। हफ्सा नवाज, वाह। हमने उसकी याद में रो रो कर टब भर दिया, वो बेवफा आया और नहा कर चला गया। बेटा नहा कर चल दिया, वेरी गुड। आजो आजो मियां, ये मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है बड़ा शायर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? मुबीन असगर। आता हो शेर। मताए दिल के लुटने का किस काफिर को गम था, सितम तो ये है कि दिल लुटने वालों में तेरा भी नाम आया। वाह वाह वाह, अच्छा था, बहुत अच्छा शेर था। आ जाओ भैया, आ जाओ, कमाल शेर सुना दो। क्या नाम है तुम्हारा? अरूज अकरम। अरूज सुनाओ शेर। अच्छा, तुझे तकना तुझे सुनना तेरा हंसना मचल जाना, हमारे गम के आंगन में फकत दो चार खुशियां। वाह, हमारे गम के आंगन में तुमने गम किया है गम को, वेरी गुड बेटा। आ जाओ, वेरी नाइस। लड़के सारे हो गए, अब आखिरी है, आ जाइए भाई। वाह वाह वाह,
क्या नाम है आपका? नूरुलैन। नूरुलैन शेर सुनो। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब जैसे शो है उसके अकॉर्डिंगली सुनाऊंगी और ऑडियंस के लिए है ये। ठीक है। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, तदबीरें जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वाह 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 वाह। फयाज भाई, तो इनमें से सबसे बेहतर शेर आपको क्या लगा, किसने सुनाया? ये जर्मनी किलर वाले। वही वाह, आ जाओ भाई। क्या भी, हाँ जी, हाय हाय। फयाज भाई आपके दस्ते मुबारक से, ताली होनी चाहिए। वेरी गुड, तीनों आ जाओ भाई। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आओ फयाज भाई, थैंक यू सो मच, आप हसना मना में आए। जाने से पहले खवातीन और हजरात, मैं करता हूँ कमाल की बात आज, क्योंकि हमने मुल्क के हालात डिस्कस किए, तो कमाल की बात में मैं बजाय इसके कि कोई कोटेशन पढ़ूँ, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, और बेसिकली वो पाकिस्तान के लिए एक दुआ है। तो इस तरह से है कि नफरतें हैं जहाँ मौत के भेस में, आओ ऐलान कर दें कि उस देश में हमको तीरा शबों की सहर चाहिए, हमको तौखीर नौए बशर चाहिए, अंधेरे नहीं रोशनी चाहिए, जनाजे नहीं जिंदगी चाहिए, फूल जैसे लबों पे हंसी चाहिए, हमको सारे वतन की खुशी चाहिए, वो जो टूटे हैं दिल फिर उन्हें जोड़ दें, वरना अहले कलम भी कलम तोड़ दें। हाथी नाजरात, 11:55 बज रहे हैं आपकी गलियों में। जाइए सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।